ये भी बहुत अच्छी फिल्म थी। इसका फर्स्ट पार्ट खासतौर पे बहुत अच्छा था। रेस 2 मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है। उसने कुछ स्केचेस बनाए थे। ये एक लड़की कॉफ़ी पी रही है, देखें इसके मग पे लिखा है कॉफ़ी मग। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, हम भी ठीक ठाक हैं। और आज एक रिएक्शन लेके आए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, बॉलीवुड पे है। आप लोग कहते हैं यार बॉलीवुड के भी रिएक्शंस करो, तो ये जिसमें हमने 2 सीरीज़ और की थी, शाहरुख खान के कुछ डायलॉग्स देखे थे और सलमान खान के देखे थे, तो आपने काफ़ी पसंद किए थे। तो इसमें टॉप इंस्पिरेशन डायलॉग्स ऑफ आमिर खान है। तो जिन भाई के चैनल से वीडियो हमने उठाई है, उनका नाम, उनका चैनल का नाम KWM और उनके इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे और कि हमें ये डायलॉग्स कैसे लगे। सो लेट्स स्टार्ट। टॉप डायलॉग्स ऑफ आमिर खान। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। All is well? All is well बोल, all is well. All is well. All is well. All is well. विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड। होशियारी, तरकीब और धोखा, तीनों मिल जाएं तो लोग उसे जादू समझते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सर्कस वाला हूँ, सिर्फ आंखों को नहीं, मौत को धोखा देते हैं रोज। मेरे पिताजी का कहना था कि काम जज्बात के साथ, जज्बाती होकर नहीं। अरे एग्जाम तो बहुत होते हैं, बाप मोस्टली एक ही होता है। अब तो पोस्ट मास्टर साहब को साथ लेके ही जाएंगे। नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरा फेवरेट सीन है। तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। ओके जी, वेरी नाइस। तो इनमें से हमने तकरीबन सारी मूवीज देखी है। ऑल इज वेल देखी है। ऑल इज वेल नहीं, 3 इडियट्स। ऑल इज वेल तो उसका डायलॉग है। तो रंग दे बसंती से स्टार्ट हुई, जो वो तो बहुत ही कमाल की मूवी देखी रंग दे बसंती। उसमें जो उन्होंने डायलॉग बोला कि या तो आप जैसा चल रहा है वैसा होने दो, या फिर आवाज़ उठाओ। और वो मूवी है ही इस बारे में ना सारी। फिर रंग दे बसंती, 3 इडियट्स के तो आप मतलब याद हैं डायलॉग सारे ना ज़बानी। हाँ, तो इंस्पिरेशनल थे। खैर कुछ में वाकई में सीख थी कुछ डायलॉग्स में, लेकिन कुछ जो थे वो जैसे वो एक टीचर वाला भी था, 3 इडियट्स का एक डायलॉग था। हाँ। कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, ये बता रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे। फिर गजनी का था कि घमंड में और विश्वास में क्या फ़र्क होता है। वो बड़ा डीप डायलॉग्स थे। और आमिर खान की मूवीज़ हमेशा कोई ना कोई आपको सीख देती है। और वो और बात है कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो इनकी फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो इतना बिजनेस नहीं कर पाई और मैंने देखी भी नहीं। तो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, आमिर खान के एक्सप्रेशंस लाजवाब होते हैं। और 3 इडियट्स का सीन्स तो हम जब भी देखते हैं ना, हमारे चेहरे पे आपने देखा होगा वो था ना एक वो वाला भी कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। हाँ, सक्सेस झाक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। वो एक डायलॉग बड़ा कमाल का है, एक सीन। ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, तो खैर अमेजिंग छोटी सी वीडियो थी, लेकिन काफ़ी मूवीज़ की जो है यादें ताज़ा हुई हैं। और आप बताएं कि इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म या फेवरेट डायलॉग आमिर खान का कौन सा है। और रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्लॉग चैनल पे भी सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट ब्लॉग्स। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे फॉर लेटेस्ट फोटोज़ एंड अपडेट्स। हम एक और रिएक्शन आपके लिए तैयार करके वापस लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।